कद्दू के मीठे पकोड़े। इसके लिए सामग्री लगती है कद्दू, नारियल किसा हुआ, इलायची, पीसी हुई शक्कर और गेहूं का आटा। और आप जायफल भी उसमें यूज कर सकते हैं। तो हम उसको बनाने की विधि देखेंगे। आप सबसे पहले तो हमने कद्दू को छील कर धोकर उबाल कर रखा हुआ है। 1 पाव कद्दू है ये। इसको हम एक बर्तन में लेंगे। इसके बाद में उसको मैश करेंगे। अच्छे से मैश होना चाहिए। ये कद्दू अच्छे से मैश हो गया है। उसके बाद में हम इसमें किसा हुआ नारियल डालेंगे, ग्रेट किया हुआ। आपको जितना लगा उतना आप उसमें डाल सकते हैं। कद्दू कम है इसलिए मैंने नारियल कम लिया है। इसमें पीसी हुई इलायची है, ये डाल रही हूँ। इसके बाद में पीसी हुई शक्कर है। स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आपको जितना मीठा चाहिए उतना। उसके बाद में इसमें हम आटा मिलाएंगे गेहूं का। जितना उसमें आ सकता है उतना ही मिलाइए। इसको अच्छे से बैटर को मिलाना चाहिए। इसको थोड़ी देर ढक कर रख देना चाहिए। अभी इसको ढककर रख दिया हूँ मैंने ताकि अच्छे से हो जाए वो। अभी मैंने स्लो आंच पर कढ़ाई और ऑयल रख दिया है। ऑयल हमारा लगभग गर्म होते आ गए हैं। ये हमारा घोल अच्छे से रेडी हो गया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया कि नहीं देखने के लिए हम एक उसमें थोड़ा सा डालकर देखेंगे। अच्छे से गर्म हो गया हमारा तेल। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। अब इसको आज थोड़ा बढ़ा लेंगे हम। और पकोड़े को अच्छी तरह से पकने देंगे।
हाई फ्लेम करेंगे। ये पकोड़े में आटा रहने की वजह से इनको समय लगता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छे से ब्राउन होने देना चाहिए इसको। लगभग होने में है पकौड़े। ब्राउन हो रहे हैं। ये देखिए हमारे पकौड़े ब्राउन हो गए हैं। को हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि वो ऑयल सोक करें। बेटर अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए ताकि वो पकौड़े अच्छे आने चाहिए। पकौड़े डालते समय थोड़ा फ्लेम लो होना चाहिए और उसके बाद में उसको हाई करना चाहिए ताकि पकौड़े अच्छे से पकने। इसको ब्राउनिश होने देने तक ले लेंगे। थोड़ा ज़्यादा देर तक होने देने पड़ते हैं उसको। तो ब्राउनिश होने को थोड़ा समय लगता है आटा रहने की वजह से, लेकिन बहुत अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं पकौड़े। देखिए अभी हमने फ्लेम लो कर दी है। ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े तैयार है आपके। थैंक यू फ्रेंड्स, पकौड़े अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और धन्यवाद।